हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और सिरसा के फरवाई गांव के राजमिस्त्री के बेटे मनदीप कुमार का एचसीएस में चयन हुआ है। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में फिजिक्स प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे मनदीप कुमार की इस उपलब्धि पर स्कूल में भी खुशी का माहौल है। स्कूल में साथी प्राध्यापकों ने मनदीप के चयन पर उन्हें मिठाई खिलाई और बधाई दी है। वहीं एचसीएस बनने का सफर तय करने वाले मनदीप का कहना है कि अध्यापन के साथ अध्ययन और अथक परिश्रम से यह मुकाम हासिल हुआ। 4 बार नेट, जेआरएफ और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके मनदीप का कहना है कि वो आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। फिलहाल उनका चयन एचसीएस एलाइट में हुआ है। मनदीप स्कूल में अध्यापन कार्य के बाद गांव के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा देने से उनको समर्पित मेहनत से उन्हें मंजिल मिलती है। सभी विद्यार्थियों को और प्रतिस्पर्धाओं को लगातार मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अपना मुकाम हासिल कर सके। हाँ जी, वो लगातार जो एकेडमिक्स में मेरे जो टेस्ट थे, जैसे कि शुरुआत होती है इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ट होने में कि जैसे मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उस एंट्रेंस टेस्ट में मैंने हरियाणा में टॉप किया था और उस यूनिवर्सिटी में, तो एंट्रेंस टेस्ट में, तो वहीं से मतलब शुरुआत हुई थी। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि हाँ यार, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो है वो कम्पीट कर सकता है। स्कूल टाइम के साथ ही, जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो उसी के साथ साथ जितना टाइम मुझे डेली मिला, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा नहीं था कि लगातार मैंने 8 घंटे ही पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 3 या 4 घंटे रेगुलर स्टडी करते हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, गाँव में जो है बच्चों को, जैसे जितने भी बच्चे जिनको जरूर है, मान लीजिए उनको मैथमेटिक्स में, साइंस में, तो बच्चे मुझसे पूछने के लिए आ जाते थे। अभी मैं पीछे तकरीबन ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 दिन ही हुए हैं, तो गांव के बच्चों को, 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको अभी फिलहाल गांव के ही सरकारी स्कूल में छुट्टी के बाद पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ।